जय हिंद दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर 2020। जानेंगे आज की सभी बड़ी मुख्य खबरें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट न्यूज़ रोज़ाना मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अटल टनल पूरे विश्व को भारत की बढ़ती ताकत का संदेश देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाहौली बोली में यू तरफे अटल टनल केदिंग तोहफा शु पंक्ति से सिसु में अपने संबोधन की शुरुआत की। इसका मतलब अटल टनल लाहौलियों को मेरी तरफ से तोहफा है। कोविड-19 के बीच 6 महीने बाद प्रधानमंत्री ने शनिवार को किसी पहले सार्वजनिक कार्यक्रम को लाहौल के सिसु में संबोधित किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल टनल रोहतांग पूरे विश्व को भारत की बढ़ती ताकत का संदेश देगी। यह सुरंग अभूतपूर्व इंजीनियरिंग का नमूना होने के साथ देश की सामरिक शक्ति की रीढ़ साबित होगी। प्रधानमंत्री ने अटल टनल के लोकार्पण के दौरान करीब 70 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से किया। कहा कि अटल सुरंग अब देश ही नहीं बल्कि विदेशी इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्रों के लिए शोध का केंद्र बनेगी। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने बीच में ही रोका भाषण। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाली के सोलंग नाला में जनसभा के दौरान अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण बीच में रोक दिया। सोलंग नाला में मंच के समीप सुरक्षा में तैनात वनगढ़ ऊना से ड्यूटी पर आई एक महिला पुलिसकर्मी श्वेता अचानक चक्कर आने से गिर पड़ी। सुबह 8 बजे से ही तैनात महिला कर्मी कड़ाके की ठंड वह दिन को तेज धूप में खड़ी थी और मुंह में मास्क पहनकर तैनात थी। पीएम मोदी ने भाषण देते हुए देखा कि महिला पुलिस को चक्कर आ गया तो उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और मन से कहा कि उन्हें बैठा दीजिए, और साथ ही महिला कर्मी को उन्हें आराम करवाने और स्वास्थ्य कर्मियों को उनका उपचार करवाने को कहा। प्रधानमंत्री की यह मानवता आम लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय ने बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने सभी स्नातकोत्तर बीटेक और बी फार्मेसी सहित स्नातक विषयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब विश्वविद्यालय हमीरपुर परिसर सहित संबंधित कॉलेजों में स्नातकोत्तर व स्नातक विषयों में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी नई तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुभारंभ के पहले दिन सैकड़ों वाहनों ने पार की अटल टनल। आज से दिन में 2 घंटे रहेगी बंद। सामरिक महत्व की अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के साथ ही शनिवार को वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। पहले दिन करीब 250 छोटे और बड़े वाहन टनल से होकर आर पार हुए। सेना की कार्रवाई के साथ लाहौल से आलू से भरे दर्जनों ट्रक जिले से बाहरी की सब्जी मंडियों के लिए रवाना हुए। आज से टनल के दोनों मुहाने दिन में 2 घंटे के लिए बंद होंगे। टनल के भीतर कुछ काम अधूरा रह गया है और उसे पूरा किया जाएगा। सुबह 9 से 10 बजे और शाम को 4 से 5 बजे तक टनल में किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भरे जाएंगे 72 पद, अधिसूचना जारी। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में विभिन्न वर्गों में 72 गैर शैक्षणिक पद भरे जाएंगे। इन पदों के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि जनजातीय क्षेत्रों के अभ्यर्थी 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पिछले कई दिनों से गैर शैक्षणिक पद खाली चल रहे थे, इनको अब जल्द भरा जाएगा। तो 8 दिन तक 20% छूट देगा खादी भंडार। हिमाचल खादी मंडल कुल्लू 108 दिन तक खाद्य उत्पादों पर 20% विशेष छूट देगा। यह छूट 3 अक्टूबर से जारी होगी। हिमाचल खादी मंडल खादी भंडार कोतवाली बाजार धर्मशाला के प्रबंधक प्रमोद कुमार चौहान ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी गांधी जयंती के अवसर पर हिमाचल खादी मंडल कुल्लू की ओर से खादी उत्पादों पर 20% विशेष छूट रहेगी। अस्पताल आने वाले हर मरीज की होगी ऑक्सीजन के स्तर की जाँच। अस्पताल में आने वाले हर मरीज का अब ऑक्सीजन का स्तर जाँचा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 90% से कम पाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाएगी। साथ ही इनका कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। एचपीयू शिमला ने बदला बीएड परीक्षाओं का शेड्यूल। हिमाचल विश्वविद्यालय ने बीएड डिग्री कोर्स के अक्टूबर में होने वाली परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने अधिसूचना के साथ नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। 7 अक्टूबर से प्रदेश के अधिकतर बीएड कॉलेजों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में प्रशिक्षु रेगुलर कोर्स में दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा देंगे। अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगेगा 5,000 जुर्माना। हिमाचल में प्रदूषण फैलाने वाले वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। वाहन प्रदूषण की जांच के लिए परिवहन विभाग ने फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। यह टीम हर छोटी बड़ी गाड़ियों के प्रदूषण का लेबल जांचेगी। मानकों से ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहनों पर 5,000 तक जुर्माना होगा।